भारत पेट्रोल स्वागत करता हूँ आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लकी डामर बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, तरकोल से भरा ट्रक बरामद, गैंगस्टर एक्ट व कुर्की की होगी कार्रवाई। डिंगवाई नहर के पास भीषण दुर्घटना, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, 3 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। ड्राइवरों ने किया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार से तेल के दाम कम करने की मांग, मनिहारी में बस स्टेशन बनवाने की भी जताई जरूरत। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहान हरोनी मार्ग पर भोगला गांव के पास मुखबिर की सूचना पर रविवार की रात एएसपी ने हसनगंज कोतवाली टीम के साथ तरकोल की चोरी कर रहे गिरोह की धरपकड़ के लिए दबिश दी। टीम ने छापा मारकर तरकोल के टैंकर से तरकोल चोरी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों के अनुसार यह काला धंधा कई माह से चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि तरकोल के टैंकरों से 50 से 60 किलो तरकोल निकालकर एक टैंकर में एकत्रित कर भर लिया जाता है, जिसके बाद उसे बड़े ठेकेदारों को बेच दिया जाता था। पकड़े गए आरोपियों में धर्मवीर महेश गुलाब सिंह मथुरा जनपद के थाना रिफाइनरी के रहने वाले हैं, जिसमें गुलाब सिंह फरार है। पुलिस ने मौके से तरकोल से भरा ट्रक, टैंकर व 61,800 रुपए पकड़े हैं। एक आरोपी हसनगंज कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है। एसीपी शशि शेखर सही ने बताया, नकली तरकोल बनाने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट व कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। कल रात को जनपद उन्नाव के हसनगंज थाने में एक काले बिटुमिन तेल का व्यापार करने वाले गैंग का पता लगाया गया है। यह गैंग हसनगंज थाना और बंथरा, जो कि लखनऊ का थाना है, उसके बॉर्डर पे ऑपरेट कर रहा था। इसमें अभी 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 अभियुक्त जनपद मथुरा के रिफाइनरी थाने के हैं और 1 अभियुक्त बंथरा थाने का रहने वाला है। इनके पास से एक टैंकर, जिसमें कि चोरी का बिटुमिन उतार करके इसमें भरते थे, एक ड्रम और अन्य उपकरण इसमें बरामद हुए हैं। साथ ही इनके पास व्यापार का लगभग 50,000 रुपया और कुछ डायरी बरामद हुई, जिसमें कि इस पूरे काले व्यापार के बारे में कुछ लिखित दस्तावेज मौजूद हैं। इस पूरे गैंग के बारे में पता लगा करके इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और अवैध व्यापार से, अवैध अपराध से जो भी इन्होंने धन अर्जित किया है, उसके बारे में 14(1) की कार्रवाई करके जब्तीकरण की भी कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जाएगा। देश व दुनिया में गो सेवा के लिए प्रसिद्ध ठाकुर जयपाल सिंह नायाब अब उत्तराखंड की धरती को अपने कर्म भूमि बनाएंगे। साथ ही लोक सांस्कृतिक के प्रचार प्रसार एवं उनके संरक्षण व उत्थान के लिए भी कार्य करेंगे। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर पलायन को भी रोकने की ठोस योजना तैयार करेंगे। पहाड़ के विकास के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने तैयार की है। मूल रूप से जनपद अल्मोड़ा के तिलोरा ग्राम निवासी नियाल अब तक हैदराबाद में एक उद्यमी के रूप में व्यवसाय करते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह उत्तराखंड की भूमि पर रहकर यहां की पावन संस्कृति के लिए कार्य करेंगे। उनसे हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश आइए देखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने खास मेहमान जयपाल नियाल जी से, जिन्हें राज ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद में अपने विराट कारोबार को समेट करके आपने उत्तराखंड की धरती की ओर पदार्पण किया है। उसका कारण यह है कि यहाँ की धरती से आपको अपार स्नेह है। देवभूमि हिमालय की गोद में बसा जो उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड से जो आपका स्नेह है, वो स्नेह आपको खींच के यहाँ लाया है। और आपका कहना है कि आप पलायन को रोकने के लिए और लोक संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो आइए मिलते हैं नयाल जी से। नयाल जी, आपका लाइव टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने अपने विराट कारोबार को छोड़ करके देवभूमि उत्तराखंड की धरती का प्रवेश किया है। आप कहां से अपना कार्य शुरू करेंगे? ये अचानक नहीं आया मन में, हम तो 2-3 साल से पहले से ही प्लानिंग कर लिए थे। जी जी, 2022 के बाद हम उत्तराखंड में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है अभी वानप्रस्थ शुरू हो गया है। अच्छा, वानप्रस्थ आश्रम में हम अपने गांव क्षेत्र में, अपने उत्तराखंड में, अपने देवभूमि में ही अपना जीवन बिताएंगे और इस क्षेत्र में काम करेंगे। अभी हम यहां पर अप्रैल मई के महीने में एक अल्मोड़ा में विराट कार्यक्रम कर रहे हैं,
लोक संगीत पर, एक लोक संगीत उत्तराखंड की लोक संगीत पर एक संध्या का कार्यक्रम है। तो उसमें कहाँ के कलाकार भाग लेंगे? उसमें बड़े बड़े कलाकार आएंगे, हमारे सब उत्तराखंड के ही हैं लेकिन जाने माने कलाकार हैं। बहुत बढ़िया, उनके माध्यम से हम एक नई चेतना जागृत करेंगे संस्कृति, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के नाम। बहुत सुंदर। उसके बाद हरिद्वार में हमारा एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है जो गाय पर होगा, गौ माता पर कवि सम्मेलन हरिद्वार में हमको करना है और वो भी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद सोमेश्वर में हमारा एक लोक संस्कृति का कार्यक्रम। इस तरह से मैं पूरे उत्तराखंड में एक नई चेतना जागृत करना चाहता हूँ, उसमें इधर के लोगों का यथाशक्ति सहयोग लूंगा, उनका समर्थन लूंगा। और उसे अपने पलायन विषय पर भी आपने कहा था, पलायन देखिए मैं खुद हैदराबाद से यहाँ पलायन करके आ जी 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 यहाँ के लोगों को पलायन रोकने के लिए, इसलिए मैं वहाँ से पलायन करके यहाँ आया हूँ। जो शहरों में है अल्मोड़ा आना चाहिए उनको, या क्या कहते हैं कुमाऊं में आना चाहिए, गढ़वाल में आना चाहिए, उनको प्रेरित करूंगा क्योंकि मेरे जीवन से उनको मैं प्रेरित करूंगा। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद अच्छा काम करूंगा तो लोग प्रेरित होकर अच्छा काम यहाँ तक करने आएंगे मेरे साथ। मेरा आगे का जीवन में एक पलायन विषय पर एक बड़ी फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। मैं मुंबई में उसका रजिस्ट्रेशन किया हूँ। अच्छा। और फिल्म की पटकथा जो भारत हमारे उत्तराखंड की सबसे पहली फिल्म थी मेघा, उसके जो राइटर थे बोरा जी, उन्होंने ही लिखी है और वो अभी संत हो गए हैं, वो हमारे साथ हैं अल्मोड़ा वाले कार्यक्रम में भी हमारे साथ। तो फिल्म को क्या नाम दिया? वो पलायन विषय पर ही है, फिल्म का नाम भी कुछ गुप्त ही रखना चाहते हैं जी, जी। और उसके कलाकार भी कुछ गुप्त हैं, लेकिन हमारे उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं उससे, और पलायन विषय पर बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, लेकिन उसको समय लगेगा, पहले हम पूरी तरह से जुड़ जाएं। और यहाँ के ही कलाकार उसमें ज़्यादा लेना चाहते हैं, उसी को चुनने के लिए मैं 3-4 कार्यक्रम पूरे कुमाऊं में गढ़वाल में काम कर कार्यक्रम करूंगा, उसमें से अच्छे अच्छे कलाकारों को चुन के उसका उस फिल्म में मैं स्थान दूंगा। बहुत सुंदर। तो आप स्थानीय जनमानस के नाम आप देवभूमि उत्तराखंड की धरती पे बधा रहे हैं और यहाँ आते ही आपने सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर से धामी जी से मुलाकात की, उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, उनके सामने अपने विचार रखे, तो मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको क्या मतलब आशा है? मुख्यमंत्री तो हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनकी वजह से ही भाजपा को आज 45 सीट मिली है, दोबारा वो जीते हैं जी। उनका विराट रूप है, बहुत सुंदर उनका व्यवहार है। हम भी परसों मिले थे उनसे, पहले हम हमारे जो सोमेश्वर की विधायक हैं अभी मंत्री बनती हैं श्रीमती रेखा आर्य जी से मिले थे, उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया। उनको हमने कहा कि मैं हम 16 राज्यों में गौरक्षा संगठन चलाता हूँ, मैं मेरे 16 राज्यों में गौरक्षा के संगठन के पदाधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हमने कहा उत्तराखंड में अब आपकी सरकार बन चुकी है, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट बनाइए, हम मुख्यमंत्री के सामने रखिए। तो हम सीधे मुख्यमंत्री से जाके मिले, मुख्यमंत्री जी ने हमको यही कहा कि आप गौरक्षा पर किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, हमारे सामने प्रोजेक्ट बनाइए, हमको दीजिए, हम मिलके काम करेंगे उस पर। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत पॉजिटिव विचार है। उसके बाद हम उत्तराखंड के जो भाजपा के अपने अध्यक्ष हैं श्री कौशिक जी, उनसे भी मिले, उनका भी बहुत अच्छा व्यवहार रहा। जगतगुरु आश्रम हरिद्वार में जगतगुरु जी का आशीर्वाद लिया, संतों का आशीर्वाद लिया। इस तरह से हम अपने जीवन का काम अच्छा उत्तराखंड में करना चाहते हैं, जिससे अपने उत्तराखंड के जो बाहर जा रहे हैं लोग उनको रोक सकें और उनके साथ मिलके यहाँ। और बहुत सारे कलाकार मुंबई जा रहे हैं यहाँ से और वो थोड़ा सा पैसे के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, यहाँ हम उनको बोल रहे हैं अपने गाँव से आइए, हम लोग फिल्मों में भी काम देंगे आपको और लोग कलाकारों को आगे बढ़ाएंगे और उनका पैसे भी मिलेगा और उनको क्या कहते हैं नाम भी मिलेगा, यश भी मिलेगा अपने, और देवभूमि में काम करने के कारण उनको पुण्य की प्राप्ति भी होगी। बहुत सुंदर विचार आपने नयाल जी रखे कि देवभूमि हमें अपनी संस्कृति के लिए काम करना है और देवभूमि के लिए कार्य करने पर कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छे विचार आपके हैं, आपने अपना अमूल्य समय हमारे राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी को प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टीवी थाना गिरवा क्षेत्र अंतर्गत डिंगवाई नहर के पास एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों से 3 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्ची को मालदा जिला ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया जिसे पुलिस द्वारा तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। आज दिनांक 28 मार्च 2022 को बांदा अतर्रा रोड पर महुआ ग्राम के पास अतर्रा की तरफ से आ रही एक i10 कार का चालक
अनियंत्रित होकर सड़क पटरी पर खड़े एक पेड़ से जा टकराया, जिससे उस कार के चालक राकेश सिंह निवासी एवेन्यू रोड छतरपुर उम्र 45 वर्ष की मौके पर ही मृत हो गई तथा सवारी के रूप में गाड़ी में मौजूद दो महिलाओं जिनकी उम्र क्रमशः 35 व 45 वर्ष है की भी घटनास्थल पर ही मृत हो गई है। कार में सवार एक 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल बांदा में चल रहा है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक गिरवा मौजूद हैं, जिनके द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, ये जो सड़क हादसा हुआ है कहाँ पर हुआ है जो आप लेके आए? कतरावल की पुलिया के पास। कतरावल पुलिया, हाँ। बांदा शहर कोतवाली, हाँ। अतरा रोड की बात है, अतरा रोड। ये कहे से हादसा हुआ, कोई जानकारी है? हाँ। अब फोटो अचानक आ रही थी तो उसमें पेड़ में टकरा रही, हम लोग वहाँ घूम रहे थे तो तुरंत पहुँच गए। कौन सी गाड़ी थी सर? कौन सी गाड़ी? वैन है, मारुति वैन, मारुति वैन। अच्छा, इसमें जो ना कुछ बताया जा रहा है सर, ये जानकारी जो है कुछ और दे पाएंगे कि क्या कोई हताहत हुए हैं मरने के लिए? दो लेडीज मरी है, एक जेंट्स मरा है। अच्छा, मतलब तीन लोग, आधे देखा नहीं, और भी एक आध हो सकता है, हम लोग जल्दी इसको लेके भागे। अच्छा, मतलब मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ये बच्ची है जो है छोटी, लगभग कितने साल की होगी, कुछ अंदाजा है? ये तो 10-12 साल की। जनपद अयोध्या में सिटी से लेकर गांव तक आवारा पशुओं का इतना कहर बढ़ गया है कि अब किसान पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं। खरीफ से लेकर रबी की फसलों पर मानो किसी ने डाका मार दिया हो। विकासखंड हैरिगंटनगंज के ग्राम सवा रामपुर जोहर में कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। इनोवेशन रामपुर मजरे कुटियावा के किसान विजय यादव, संवारी यादव, रामनियाल रामचंद्र यादव जैसे कितने ही किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह से चट कर दी। रात भर इन जानवरों के पीछे भागने के बाद भी यह किसान अपनी फसलें नहीं बचा पाया। ऐसे में सरकार का किसानों के प्रति किया जा रहा तमाम दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। सपा सरकार बनते ही गुंडा जानवरों से निजात मिलने का सपना किसानों का अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सुबह में बीजेपी सरकार की वापसी दोबारा हुई है, जबकि बीते 5 साल में बीजेपी सरकार आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। आप देख रहा है कि दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ क्या पशुओं पर अंकुश लगाएंगे या फिर इस बार भी किसानों को बलि का बकरा बनना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि 5 साल से मवेशियों के आतंक से किसान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब नौबत यहां तक के पहुंच गई है कि उन्हें वो परिवार का पेट भरने के लिए सोचना पड़ रहा है। वीके यादव की रिपोर्ट। मनिहारी में टेम्पो चालक एवं सभी वाहन के ड्राइवर ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाज सेवी करण मानस ने मनिहारी प्रशासन से बस स्टैंड की मांग की है, ताकि लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, ठिकानों पर उनको उनकी गाड़ी मिल जाए। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में तेल साथ में आसमान को छू रहा है और गरीब को काफी ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। संबंध में सभी टेम्पो और ट्रक बस ड्राइवरों ने उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार तेल के दाम मेरा कहना है कि हर जगह मनिहारी है, यहाँ एक भी स्टैंड नहीं, एक स्टैंड का व्यवस्था होना चाहिए। और महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, उसमें कमी होनी चाहिए, क्योंकि भाड़ा बढ़ेगा तो गरीबों को दिक्कत होगा, जाने आने में परेशानी होगी। और टेम्पो ही एकमात्र साधन है जो मतलब लोकल पैसेंजरों को ढोने का काम करती है। और मेरा मांग है सरकार से, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, कि इस पर जो है सबसे पहले मनिहारी के SDO साहब से, बिहार के DM साहब से, यहाँ पर जो है स्टैंड होना चाहिए, टेम्पो स्टैंड होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एक भी शौचालय नहीं होना चिंता का विषय है। तो और धारा में कमी हो इसकी मैं मांग करता हूँ। मैं करण मानस, समाज सेवी, मनिहारी। आज बिहार स्टेट ऑटो एसोसिएशन और ऑल इंडिया ऑटो एसोसिएशन द्वारा जो है देशव्यापी 28-29 मार्च को जो है हड़ताल रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में मनिहारी बस स्टैंड में हम लोग सभी मिलकर के जो है
के द्वारा जो है आपका परिचय नाम करण राणा समाज सेवी कम करें। कटिहार के मनिहार से वीर सनाउल की खास रिपोर्ट। खबरों का दौर आगे चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो ये कहा गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। मनिहारी गंगा घाट दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद तारिक अनवर ने बताया कि मनिहारी गंगा घाट में मालवा जहाज से जो दुर्घटना हुई है वो काफी दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की भी जान गई है उस दुर्घटना में उनको दिल से नमन करता हूं, और उन्होंने कहा कि मनिहारी गंगा घाट में सुशासन बाबू की सरकार का कोई कानून नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ माफियाओं का सरकार चलता है और प्रशासन इसके आगे नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे अगर कोई भी जहाज चलता है तो वो सरकार के कानून के खिलाफ है, लेकिन प्रशासन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तौकीर आलम, MLC प्रत्याशी सुनील यादव, अनिल अंसारी, चंद्र भानु गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित रहे। कटिहार से बनी हार से मीर सनाउल की खास रिपोर्ट। होमगार्ड के उमेश कुमार पासवान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कल रात ड्यूटी पर खाना खाने के बाद उनको अचानक सीने में दर्द हुआ। इसके बाद साथ ही उनको कटिहार सदर अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत देखते हुए उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना पर कटिहार के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में जहां पर ड्यूटी करते थे वहां होमगार्ड के जवानों ने कुछ देर के लिए मौन धारण किया। उमेश कुमार पासवान के परिवार को ढाढस बनाने के लिए उनके घर पर होमगार्ड संघ के अध्यक्ष रंजीत सिंह और होमगार्ड के सचिव विरोध सिंह और केंद्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, प्रकाश मंडल, सुभाष एवं कंपनी कमांडर पवन मिश्रा उपस्थित रहे। कंपनी कमांडर की पवन मिश्रा की ओर से मेश पासवान के परिवारजनों को दाह संस्कार के लिए 7,000 रुपया राशि दी गई। गुरमा वन रेंज क्षेत्र में रेलवे ट्रक के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में भालू का शव मिला है। इस मामले में वन्य जीव विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन्य जीव विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भालू का शव मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंच सके। वहीं स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि भालू अत्यधिक गर्मी के कारण पानी पीने के लिए रेलवे ट्रैक पर क्षेत्र में आया होगा, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में मार्च महीने में ही पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। भालू की प्रजाति को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची 1 में रखा गया है। इस अधिसूची में बाघ समेत ऐसे जानवरों को रखा गया है जिनकी प्रजाति खतरे में है, लेकिन भालू की मौत के इस मामले ने यह साफ कर दिया है कि वन्य जीव विभाग को इन विलुप्त होती प्रजातियों की कितनी परवाह दिखाई दे रही है। बजाज फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस लोन संस्था द्वारा लोगों को जागरूक करके जनता के सहयोग के लिए व व्यापारियों के धंधे उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोन दिया जा रहा है, जिससे कि व्यापार करने में नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। ग्राम बाजार शहरों में संस्था द्वारा जा जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, व्यापार लोन आदि दिया जा रहा है, जिससे नागरिक अपने भविष्य की सारी सुविधाओं का आनंद ले सके। संस्था के उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसा संदेश दिया गया कि ऐसे अवसर को व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर अब्दुल्ला हाशमी की खास रिपोर्ट। ढोलपुर के समरथुरा के मोटियापुरा में अज्ञात कारणों से 2 लोगों की झोपड़ी में आग लग गई। आग से घरेलू सामान, जरूरी कागजात व अनाज जलकर खाक हो गया। आग लगने से फोसुराम मीणा व अन्य ग्रामीण के
आर्थिक क्षति पहुंची है, जिससे इनके जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ चुकी है। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भरतपुर संभाग से डिविजन हेड लक्ष्मी नारायण बघेल की खास रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।